बिहार विधानसभा और विधान परिषद से 75% आरक्षण वाला बिल पास होने के बाद अब लोग रिजर्वेशन इन बिहार के लागू होने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, खासकर कि वो अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने इसे लागू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में आरक्षण कब और कैसे लागू होगा। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित आरक्षण संबंधित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही नया कानून प्रभाव में आ जाएगा। यानी राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद सरकारी नियुक्तियों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा का लाभ मिलेगा। फिलहाल यह विधेयक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास विचाराधीन है। सेवाओं और नामांकन में आरक्षण सीमा बढ़ाने वाले विधेयकों को मंजूरी के साथ ही अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2, अति पिछड़ों को 25 और पिछड़ों को 18% आरक्षण मिलने लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पहले से ही 10% आरक्षण दिया जाता है। इस तरह राज्य की सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनारक्षित श्रेणी की 25% सीटें बचेंगी, जिन्हें भरने के लिए बाद में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये विधेयक विधानसभा में 9 और विधान परिषद में 10 नवम्बर को सर्वसम्मति से पारित हुए थे।